Hey guys, welcome to my channel. Hello, my name is Aradhana, and if you are new to my channel, please subscribe my channel. And today's video is about syllabus for BA entrance. Number of subjects इसमें होते हैं 10. आपके subjects में से ही आपको questions पूछे जाएंगे और वो जो कि 12th level के होते हैं. Means आपने 12th तक जो भी पढ़ा है आपके paper में वो आ सकता है. So हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से subjects हमारे पेपर में आएंगे. तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पेपर में दिखेंगे. बेसिकली मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के लिए फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स बी ए इज़ फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स, नॉट फॉर बी एस सी. मैं इतनी बात नहीं कर रही हूँ. सो बी एस सी और बी कॉम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बी ए की बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो हमारे जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे. और इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, तो इसमें से आपके ग्रामर्स एंड एडिटिंग ओमिशंस ये सब पूछे जाते हैं मेनली. एंड जनरल नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, और जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे पूछे जाते हैं. सो हम अपने वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या टॉपिक्स आपको मेन फोकस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम आप यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करेंगे. सो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा फोकस, मतलब आपको फोकस तो पूरा ही पढ़ना है, पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा आपको. 11th 12th तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. आपने 11th 12th में जो भी बुक्स पढ़ी हैं, NCERT मेनली हमेशा ही हर जगह ही चलती है, तो आपको NCERT पे मेन फोकस करना है अपनी बुक पे. पर उसके अलावा जो आपको ज़्यादा फोकस जिस पे करना है, ज़्यादा एम्फेसिस जिस पे डालना है, वो है कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ. सो फर्स्ट है आपका नेशनल पार्क्स. आपको जो भी इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क है, सब कहाँ पे हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं और कौन से एनिमल के लिए फेमस है, ये सब आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर MCQ बेस्ड आता है. तो आपके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं मांगेगा, बस आपको नेम पता होना चाहिए, कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, और कौन से एनिमल के लिए फेमस है ये भी पता होना चाहिए. तो आपको नेशनल पार्क पे फोकस करना है. एंड देन रिवर्स, इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं, और कौन से पार्ट में इस इंडिया के कौन सी रिवर बहती है, ये सब आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, इस पे आपको फोकस करना है. देन सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम हम सब ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, या आपके 11th 12th में तो ये होता नहीं है, बट कुछ पार्ट होता है, तो आपको जहाँ से भी कंटेंट मिले आप पढ़ सकते हो. आप नेट से भी पढ़ सकते हो, आपकी पुरानी बुक्स में भी होगा, उसमें से भी पढ़ सकते हो. एंड सोलर सिस्टम पे मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूँगी यूट्यूब अपने चैनल पे, तो उसको आप उससे हेल्प ले सकते हैं. देन नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवेज अगर आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं, तो आपकी 11th 12th की बुक में नेशनल हाईवेज दिया हुआ है, 12th की बुक में है. एंड देन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे आपको फोकस करना है. एंड क्रॉप्स इन इंडिया, कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है, या कौन सी कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है किसी भी क्रॉप्स के लिए, तो क्रॉप्स पे आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालना है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. देन ओशंस, लेक्स एंड किनाल्स, कहाँ कौन सी लेक होती, कहाँ कौन सी किनाल होता, आपको वर्ल्ड और इंडियन दोनों के बेस पे आपको पता होना चाहिए. तो ये था हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस. सो नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री. हिस्ट्री के लिए आपको एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न, ये तीनों हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, तीनों बुक्स को पढ़ना पड़ेगा. और पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है, उसके अंदर जो भी है उसको पढ़ना है. और अमेंडमेंट्स, राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स, जीके रिलेटेड टू पार्लियामेंट,
सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड बेसिक आर्टिकल्स। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर कर रही हूँ, बता रही हूँ, वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा आपको 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आपको उसको एक बार पूरा रीड करना पड़ेगा, 11th एंड 12th का सिलेबस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसमें से आ सकती हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़्यादा फोकस करना है, मतलब 11th एंड 12th के अलावा ये सब आ सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप 11th एंड 12th का सिलेबस ज़्यादा देखें और फिर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। एंड देन आफ्टर पॉलिटिकल साइंस, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स। आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्लानिंग, बैंकिंग सेक्टर एंड बिजनेस जीके। ये सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके पेपर में आएगा। एंड देन फॉर साइकोलॉजी, 11th 12th लेवल की साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है वही आपको पढ़नी है। फॉर सोशियोलॉजी यू हैव टू फोकस ऑन 11th एंड 12th लेवल। एंड फॉर इंग्लिश यू हैव टू फोकस ऑन ग्रामर। तो ग्रामर में आपको मेनली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रोनाउन, नाउन, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें भी आती है, एंड एडिटिंग ओमिशंस भी आती हैं। तो आपको सारा ग्रामर पोर्शन आपको पढ़ के ही जाना है। जो यहाँ पे लिखे हैं वो तो आएंगे, उसके अलावा भी आपको अपने तरफ से भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बस आपको एग्जांपल दिया कि क्या क्या आता है। तो ग्रामर में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में ग्रामर पोर्शन पे आपको फोकस करना है, लाइक संधि, समास, अलंकार, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्ति, वाक्यांश के शब्द, संचार माध्यम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द के भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारी चीज़ों पे आपको अच्छे से फोकस करना है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको पेपर में बहुत हेल्प होएगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो हिंदी इंग्लिश को छोड़िएगा मत, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज में आपको जितने भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सब पूछे जाएंगे, कहीं के भी, कितने भी पुराने, सब पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एंड लेकिन जो हमारा करंट अफेयर है उसमें आपको ओनली 6 मंथ बैक के जितने भी करंट की चीज़ें अभी तक हुई हैं 6 मंथ्स में, वो सब पूछे जा सकते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए है COVID-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब आपको अच्छे से देख लेने हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और COVID-19 इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको लेटेस्ट की सारे करंट अफेयर प्लस जर्नल नॉलेज पढ़ना है, तो मैं आपको लूजेन की बुक रेकमेंड करूँगी, लेटेस्ट एडिशन उसका ख़रीद लीजिए। और आपको उसके सारे 6 मंथ बैक के जितने भी करंट अफेयर है सब आपको मिल जाएंगे उसमें, और जीके के भी क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। सो एट दी एंड मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। सो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आता है, MCQ बेस्ड होता है, 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एंड 90 मिनट्स आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा, और 40% आप मार्क्स आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। सो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहती हूँ कि आप सिर्फ 40% पे फोकस करेंगे तो आपके 40% से ही कम आने के चांसेस हैं। अगर आप ज़्यादा का एम बनाएंगे तो आपका
अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि 40% से ज़्यादा का टारगेट रखिएगा। सो और अभी इस वक्त आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप उसे यूटिलाइज़ करिए, वेस्ट मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके आप नोट्स बनाना शुरू करिए पढ़ने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढिए, उसके बारे में जानिए और अच्छा स्कोर करिए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ।